बिलासपुर के ग्राम पंचायत हीरापुर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिला बिलासपुर के ग्राम पंचायत हीरापुर में प्रधान प्रताप ठाकुर की अध्यक्षता में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन सियाराम हॉस्पिटल के सर्जन से किया गया। शिविर के बारे में मुख्य प्रबंधक डॉक्टर सरता ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया, इस शिविर में हड्डी रोग से संबंधित करीब 123 लोगों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करवाया। बीएमडी मशीन की सहायता से हड्डियों की मजबूती की जांच की गई। उन्होंने बताया जन सुविधार्थ प्रदेश सरकार से आयुष्मान व हिम केयर कार्ड धारक रोगियों को इन दोनों योजनाओं के माध्यम से उपचार करने की स्वीकृति मिल गई। इसके अलावा प्रदेश व केंद्र सरकार में अपनी सेवाएं प्रदान कर सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सुविधार्थ मेडिकल ये सियाराम हॉस्पिटल के सौजन्य से हीरापुर पंचायत में लगाया गया और ये प्रधान जी की रिक्वेस्ट थी और इनकी जब लिखित रिक्वेस्ट आई तो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर जी ने ये संभाला और इन्होंने परमिशन लेके ये कैंप ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कि हमारे स्पेशलिस्ट हैं हड्डियों के, वो आए और इन्होंने बीएमडी टेस्ट किया और ब्लड शुगर टेस्ट किया। ज़्यादातर लोगों को जो हड्डियों की बीमारी होती है ये गलत पोस्चर होने से होती है, जो घुटनों की जो है ये ज़्यादातर उन लोगों में होती है जिनका ज़्यादा चलना फिरना होता है और नीज की एक्सरसाइज बहुत कम होती है। तो नी की एक्सरसाइज करना, स्पाइन की एक्सरसाइज करना, ये रेगुलर फीचर रहना चाहिए लाइफ में और इनकी एक्सरसाइज करके आदमी कभी बूढ़ा नहीं लगता, कुपड़ नहीं पड़ता और ठीक से चल पाता है और जो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेज होती हैं नी में वो नहीं होती। तो जब तक नी ज्वाइंट का स्पेस मेंटेन रहता है आप बिल्कुल ठीक रहते हैं और आपके नी के मसल स्ट्रांग जब होते हैं तो आप अच्छे से चल पाते हैं। सबसे बड़ा ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए कि जो आपकी सीढ़ियां घर में बनाते हैं वो 6 से 8 इंच का राइजर या पूरा ऊपर को चढ़ने का जो बेड है वो होना चाहिए, लेकिन फुट फुट के या ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा बोझ उठा के चलना नहीं चाहिए जिससे कमर पे दबाव पड़ता है, क्योंकि पूरी बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये आपस में जुड़ा होता है। आप कहीं भी कोई भी बोझ रखते हैं, चाहे कंधे पे रखते हैं, वो स्पाइन को उसके साथ देना पड़ता है। तो इससे आपका पोस्चर खराब होता है, आपके घुटने खराब होते हैं और कैल्शियम जो है वो डाइट में ठीक से रखना चाहिए। जब भी बुढ़ापे में या ओल्ड एज में कैल्शियम की कमी होती है तो बोन की जो ब्रेकेज होती है बहुत जल्दी होती है और इसी तरह जो बुढ़ापे में फ्रैक्चर होता है जिसको फ्रैक्चरिंग फीमर बोलते हैं वो बहुत कॉमन होता है और तकरीबन जो बूढ़े लोग होते हैं वो बाथरूम में गिर जाते हैं या हल्का सा कहीं से चारपाई से गिर जाते हैं या कहीं से भी और फ्रैक्चर इनका फीमर का हो जाता है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए और अपना कैल्शियम टेस्ट कराने चाहिए, जैसे कि हमारे बीएमडी टेस्ट है ये बताता है। और इन सब चीज़ों में जो यंग लोग हैं उनको ये ध्यान रखें कि स्मोकिंग बहुत कम करें या स्मोकिंग को अवॉइड करें, क्योंकि उससे माइक्रो एंजियोपैथी होती है जिससे आपके जो बोन को सप्लाई जाती है वो बहुत कम हो जाती है, तो उससे आपकी ये जो बीमारियां होती हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये जल्दी होना शुरू हो जाता है। तो मेरा यहाँ पे आने वाले मरीजों का और सबसे यही निवेदन है कि अपनी सेहत को सबसे अच्छा रखें, क्योंकि आदमी हर चीज़ पे पैसा खर्च करता है लेकिन अपनी सेहत पे बहुत कम पैसा खर्च करता है। तो अपने एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें और इसी से वो स्वस्थ रहेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी हड्डियों में या ब्रेकडाउन नहीं होगी और ठीक रहेंगे। आज यहाँ पे ग्राम पंचायत हीरापुर में हमने सियाराम अस्पताल की तरफ से हड्डियों का फ्री कैंप लगाया है, जिसमें कि डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने चेकअप किया है और चेकअप के साथ साथ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के बारे में भी बताया गया और बीएमडी टेस्ट द्वारा जो है हड्डियों की जाँच भी की गई। तकरीबन 70 के करीब जो है मरीज अभी तक खा चुके हैं, तो हो सकता है कि 100 तक पहुंच जाए मरीजों की संख्या। और इससे पहले भी हमने पनोह पंचायत में कैंप करवाया था, यह हमारा दूसरा कैंप है और कैंप का उद्देश्य यही है कि लोगों का वेलफेयर हो और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए ताकि वो सही ढंग से और सही तरीके से अपना इलाज करवा सकें। मेडिकल बिल रिवर्समेंट पास करने की भी प्रदेश सरकार से अनुमति मिल चुकी है। चढ़ा कुठिंडा बिलासपुर।